बनाने के लिए पहले हम ड्राफ्ट बना लेते हैं, तो मैं न्यूज़पेपर यूज कर रही हूँ। जिस भी पैर का आपने बनाना है, इस तरीके से पैर रखना है आपको, उसे ड्रॉ करना है इस तरीके से, हल्का हल्का स्पेस छोड़ते हुए। पैर का आपने बनाना है, इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया, तो ये मेरा पैर का नाप आ गया। इसे कट कर लीजिए। ये देखिए, तो ये मेरा बेस आ गया, बेस कट हो गया। अब हम इसके ऊपर वाला कट करते हैं। अब हम यहाँ से ऊपर वाला कट करेंगे। ऊपर वाला कट करने के लिए हमें क्या करना है, जितनी भी आप यहाँ पे ओपनिंग रखना चाहें इस तरीके से, तो मैं 6 इंच पे कट कर लूंगी। कट वगैरह होके मेरा ये स्टिचिंग में भी आएगा, तो मैं 6 इंच पे इसे कट कर लेती हूँ। तो मैंने जो लंबाई लेनी है 6 इंच लेनी है, और जो मैंने चौड़ाई लेनी है, ये वाला पोर्शन जो हमारा ये लेना है, जो ये वाइडर पोर्शन होता है, ये 6 इंच है। तो मैं थोड़ा सा इसमें सीम अलाउंस भी ऐड कर लेती हूँ, तो ये मैं 7 इंच पे कट करूंगी। तो मैं 7 इंच ऐसे लूंगी और 6 इंच मैंने इसकी लंबाई लेनी है। तो एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे हम 6 इंच, जो मैंने लंबाई ली, और विड्थ 7 इंच। ये देखिए, तो ये मैंने एक बॉक्स बना लिया। अब हमें क्या करना है, सेंटर ले लीजिए, इसका सेंटर पॉइंट ले लिया हमने, जो ये फीट बनाया था इसका सेंटर पॉइंट ले लिया। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट पे रखना है इस तरीके से। इसे रखने के बाद इसे यहां से आपको शेप देनी है। ये देखिए, इस तरीके से ये सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट पे रखा। यहां से हमें इतना ही रखना है ताकि हमारी गोलाई प्रॉपर आए, और फिर उसके बाद नीचे की तरफ से हमें इस तरीके से इसे शेप दे देनी। अब इसकी कटिंग कर लीजिए। तो ये हमारा पैर का नीचे वाला आ गया, फीट आ गया इस तरीके से, और ये हमारा इसमें यहाँ ये ऊपर वाला आ जाएगा। देखिए परफेक्ट फिट आएगा। ये देखिए हमारा इसके ऊपर आएगा इस तरीके से, यहाँ से आगे से। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका परफेक्ट फिट आएगा, फिटिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा ऊपर का हो गया, बेस हमारा हो गया, यही दो चीजें चाहिए। यहाँ साइड वाला हम डायरेक्ट कपड़े पे कट करेंगे। तो चलिए हम अब इसे बनाना शुरू करते हैं। बस ले सकते हैं, अगर आप जीन्स में से नहीं बनाना चाहते तो नॉर्मल कपड़े में से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है, जीन्स का जो ये बॉटम वाला पार्ट है, यहां से हम इसके पीछे वाला कट करेंगे। तो पहले हम पीछे वाला कट कर लेते हैं, जो हमारा यहाँ पे आना है। तो हम जीन्स में नीचे वाले पोर्शन से पहले वो कट कर लेते हैं। वो कैसे करना है, यहां से आप जितनी भी लंबाई रखना चाहते हैं, यहां से देखिए इस तरीके से, तो ये 3 इंच मैं ले रही हूं, 3 इंच लंबाई। यहां से 3 इंच पे आपको निशान लगाना है। तो हम कटिंग करते हैं, 3 इंच यहां पे निशान लगाना है आपको, 3 इंच यहां पे निशान लगाया, 2 इंच का निशान आपको इस तरफ लगाना है, 3 इंच, 2 इंच, इस निशान को इससे मिला लीजिए। ये मैंने मिला लिया, इसकी कटिंग कर लीजिए, बराबर रखते हुए इसे कट कर लीजिए। कट कर लिया, तो ये मेरा साइड के लिए, पीछे के लिए हो जाएगा। यहां जो हमारा आएगा यहां पे इस तरीके से, ये मैंने इसके लिए कट किया। ये देखिए, ये हमारा साइड के लिए, पीछे के लिए कट हो गया।
तो एक लेग पोर्शन में से जैसे मैं ये कट कर रही हूँ वैसे ही आपको दूसरे पैर का भी कट करना है, सेम उसी तरीके से दूसरी वाली तरफ से। तो एक मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो ये मेरा बैक वाला कट हो गया। टू पीस ये और एक पीस ये। तो मेरा ये एक सॉक्स के लिए, एक बूट के लिए रेडी हो गया। तो जैसे एक बूट के लिए कट किया है, जो इसका जीन्स का दूसरा लेग पोर्शन है इसमें से दूसरी लेग के लिए कट हो जाएगा। तो ये मेरी कटिंग हो गई, दो पीसेज ये, वन पीस ये, वन पीस ये। हमारा आएगा किस तरीके से देखिए, ये हमारा फुट आएगा, इसके ऊपर हमारा इस तरीके से ये आएगा और ये हमारा यहाँ पे आएगा बैक पे। तो अब हम इस स्टिचिंग शुरू करते हैं। क्या करना है, इन दोनों के बीच में इंसर्ट करने के लिए इस तरीके से जो पुराना टॉवल होता है उसमें से मैंने एक लेयर कट की हुई है ताकि ये थोड़ा बेस थिक बने। तो अगर आपके पास टॉवल नहीं है तो कोई भी मोटा थिक कपड़ा है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब करना क्या है, ये रखा, इसके बीच में जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं टॉवल इंसर्ट कर रही हूँ सेम साइज़ का, और इसके ऊपर हमने ये रखा इस तरीके से। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसे वन पीस, देखिए सिंपल सिलाई मशीन यूज़ करूँगी मैं इसमें। बस यहाँ पे आपको 18 नंबर की नीडल यूज़ करनी है, क्योंकि थोड़ा थिक होता है जीन्स का कपड़ा, तो इसमें 18 नंबर की नीडल यूज़ होती है। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा रेडी हो गया। अब हमें ये लेना है जो हमने ऊपर का कट किया था, इसे यहाँ से ऊपर की तरफ से फोल्ड करते हुए इस पर हम ऊपर की तरफ से इसे फिनिश करते हैं। सिलाई लगा इसे इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये इस तरीके से रखा, इसे रखना है यहाँ पे, यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो एक पिन लगा लेती हूँ मैं यहाँ पे सेंटर में से रखते हुए, ताकि ये मेरा हिले नहीं। पेन लगा ली मैंने एक सेंटर में इस तरीके से, इसका सेंटर और इसका सेंटर यहाँ पे इसे लगा लिया। अब हम इसे स्टिचिंग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आएगा हमारा। तो यहाँ से मैं इसे इस तरीके से लगा के देखती हूँ, यहाँ तक आ रहा है मेरा। तो यहाँ से हम इस पर सिलाई शुरू करेंगे। तो अब हम ये हमारा हो गया। तो अब हम ये साइड वाला ज्वाइन करते हैं। पहले मैं इसे बराबर कर लेती हूँ जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। ये मेरा पीछे की तरफ सेंटर में आएगा, सेंटर में आएगा, इसलिए मैंने इसे बराबर कर लिया। अब हम इसे ज्वाइन करते हैं। ये जो जोड़ है ये वाला, इसे यहाँ सेंटर में रखना है इस तरीके से। दो सिलाइयाँ लगाएंगे, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ से लेके इसे ऐसे रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक हम यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आगे का ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया इस तरीके से। अब यहाँ से इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पे इसे सिलाई से थोड़ा सा हम फिनिश कर देंगे।
मामा। ये देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सिलाई से टक कर दिया, सेम उसी तरीके से यहाँ से भी कर लीजिए। यहाँ से भी इसे हल्का सा टक कर लीजिए। ये देखिए जैसे यहाँ पे थोड़ा सा टक किया था वैसे ही सेम यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा टक कर लिया। बस अब आप इसे सीधा कर लीजिए। यहाँ से टक कर लिया तो ये मेरा बूट बिल्कुल रेडी हो गया। जैसे इस पैर का बनाया है सेम उसी तरीके से मैंने दूसरे पैर का भी बनाया है सेम उसी तरीके से। तो ये दोनों मेरे बन गए हैं, तो मैं आपको एक बार डाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से आएगा, प्रॉपर परफेक्ट फिटिंग आ रही है इस तरीके से यहाँ से पीछे की तरफ से। तो देखिए परफेक्ट फिट आ रहा है यहाँ साइडों से इस तरीके से यहाँ से बॉटम से। तो ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बूट बिल्कुल रेडी हो गया है। ये इस पैर का है, ये मैंने इस पैर का बनाया है इस तरीके से साइड से। ये देखिए तो ये मेरे बूट बिल्कुल रेडी हो गए हैं। देखिए साइडों से इस तरीके से बॉटम से बनाने में बहुत ही आसान, बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गए हैं।